की गई। इस मेवाती सॉन्ग की लॉन्चिंग के अवसर पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सदस्य सुरेंद्र सिंह पिंटू उजीना के अलावा जाने माने उलेमा मौलाना शेर मोहम्मद आमीनी घासेड़ा तथा गांधी ग्राम घासेड़ा के सरपंच इमरान के अलावा कई जानी मानी हस्तियों ने शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपको बता दें कि नूह जिले के इतिहास का कोई सानी नहीं है, लेकिन गत वर्ष जुलाई माह में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद नूह जिले की छवि को गहरा आघात लगा था। इस दाग को धोने के लिए पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह बिजारनिया व इलाके के जाने माने कलाकार नियामत अली सहित KNA लोगों ने पर्दे के पीछे से मेवात की बहादुरी और इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए एक मेवाती सॉन्ग बनाया, जिसे ऐतिहासिक दिन पर ऐतिहासिक गांधी ग्राम घासेड़ा से लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि 19 दिसंबर 1947 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने साथियों के साथ गांधी ग्राम घासेड़ा आए थे और जो लोग पाकिस्तान जा रहे थे उनसे अपने वतन में ही रुकने की अपील की थी और मेव कौम को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने रीढ़ की हड्डी बताया था। उसी दिन से घासेड़ा गांव को गांधी ग्राम घासेड़ा के नाम से जाना जाता है। SP नरेंद्र सिंह बिजारनिया ने कहा कि वो अपने हर बच्चे को स्कूल अवश्य भेजें। पब्लिक लाइब्रेरी की सौगात आपके बच्चों को मिली हुई है, इसमें किताबों के अलावा अन्य जरूरी सामान मुहैया कराया जाएगा। सुरेंद्र सिंह पिंटू उजीना ने कहा कि नरेंद्र सिंह बिजारनिया के रूप में हमें एक बेहतरीन सोच का पुलिस कप्तान मिला है। उन्होंने मेवात के 36 बिरादरी की हमेशा चिंता की है। इस मेवाती सॉन्ग मेवात की छवि में सुधार अवश्य होगा। इसके अलावा इमरान घासेड़ा, आरिफ एडवोकेट, मौलाना शेर मोहम्मद आमीनी इत्यादि ने भी मेवाती सॉन्ग लॉन्च करने तथा पब्लिक लाइब्रेरी घासेड़ा की सुध लेने के लिए SP नूह का आभार व्यक्त किया। कुल मिलाकर लाइब्रेरी में हो रहे विकासात्मक बदलाव तथा मेवाती सॉन्ग को सुनकर चेहरे पर रौनक देखने को मिली। मेवाती सॉन्ग आवे है दुनिया देखन को, मेरी हरी भरी मेवात का गाना सुनते ही उपस्थित भीड़ ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। खास बात यह कि आज से ही सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि पर ये गाना उपलब्ध होगा। इस गाने में मेवात की संस्कृति और इतिहास का फोकस किया गया है। देखिए रिपोर्ट। हमने एक मेवात की कहते थे, मेवात में ये गोप सेवादी हैं, ये तस्करी करते हैं, गाड़ी चुराने वाले हैं। तो आरिफ ने और मकसूद जी हैं, RFP मीडिया क्रिएशंस वाले हैं, नियामत सिंगर है हमारा, बहुत फेमस सिंगर है यहाँ का, तो उन्होंने मिलकर ही गाना चलाया है। तो वो गाना बनाया है, बड़ा सुंदर सा इन्होंने गाना बनाया है और हम लोग कोई ज़्यादा बाहर से इन्वेस्टमेंट और वो सब नहीं किया है। एक मेवात में बहुत शानदार चीज़ें भी हैं जिससे हमारे धरोहर पर हमें एकदम गर्व होना चाहिए। वो धरोहर पे 5-6 मिनट का एक अच्छा, ऐसी चीज़ें भी मेवात के बारे में आप लोगों को भी हर जगह बतानी है कि मेवात एक अच्छी जगह है। ऐसा नहीं है कि जो कोई मीडिया वाला बाहर से आके कह देता है उसकी वजह से हम मेवात को डिफाइन करेंगे कि मेवात कैसा है। मेवात तो हम लोग बताएंगे कि मेवात हमारा कैसा है और उसकी दुनिया को आवाज़ सुननी चाहिए। और मैं अगली बार आना चाहूँगा कि लाइब्रेरी से पढ़ के 10 बच्चे एक स्कॉलरशिप की स्कीम चला रहे हैं। जो बच्चे गरीब घरों से हैं और 10वीं के बाद में IIT और PMT की कोचिंग लेना चाहते हैं, उनके लिए व्यवस्था करें कि पूरे मेवात से 100 बच्चे छाटेंगे, उनको इस बार फ्री कोचिंग में दिलाएंगे, उनके रुकने की व्यवस्था कराएंगे, दानदाताओं से उनकी खाने पीने की व्यवस्था कराएंगे। हमें यह है कि वो 2 साल में बच्चे पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, उस होकर सिलेक्ट होकर हमारे पास वापस आएँ तो बाकी 100 बच्चे आगे भी चलाएँ। तो वो देखिए हमारे वरिष्ठ साथी हैं सुरेंद्र जी वगैरह, जो सुरेंद्र जी का बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा हुआ समाज सेवा में, SPSC में भी, तो जहाँ भी होगा तो हम सुरेंद्र जी की मदद ले रहे हैं, कासिम जी की मदद ले रहे हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ा मदरसों का भी किया है कि मौलाना जी ने मुझे मदरसे में बुलाया था ओडल रोड पे, तो वो बच्चे अरबी, हिंदी, इंग्लिश, 6 लैंग्वेज इतनी शानदार बोल रहे थे GK की, आप देखते रह जाओ। आप ये कहोगे कि भाई मदरसे, अब हर मदरसे में वैसे ही GK पढ़ाई जाए, वैसे ही गणित पढ़ाई जाए, वैसे ही इंग्लिश पढ़ाई जाए, तो बच्चा आगे जाके सक्सेसफुल होगा। हम ये भी ट्राई कर रहे हैं कि मदरसों के बच्चों के एग्जाम भी दी जाए हरियाणा बोर्ड के साथ में और उनको एक सर्टिफिकेट डिग्री मिले, जिससे कि वो 10वीं 12वीं में JNU जामिया जहाँ भी BA का कोर्स होता है उसके अंदर भी वो दाखिला ले सकें। तो उन लोगों के लिए भी मौलाना शेर मोहम्मद से मैंने मदद मांगी है, तो हम लोग उस प्रोग्राम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये है कि हर आदमी थोड़ा थोड़ा अपनी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उससे थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। देखो 5-7-10 सालों में यहाँ भी बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और मैं तो ये कहूँगा कि भाई आपके एरिया में बहुत बड़े हाईवे आ रहे हैं, विकास आ रहा है, ज़मीनें मत बेच देना बिल्कुल भी।
जमीनें रखना, अपने बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए सरकार लोन वोन सब दे रही है, तो बिना ब्याज का लोन देता है बच्चों की पढ़ाई के लिए, खेती के लिए सरकार इतना सही सस्ता लोन दे रही है, तो फालतू के खर्चे क्रेटा उरेटा और इन सब के चक्कर के अंदर अपनी ज़मीनें मत बेच देना, अपने बच्चों को पढ़ाना। ज़मीनें यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा हाई होगी तो ये इतना रही हुई है, तो इतनी कॉमर्शियल वर्ल्ड में अपनी ज़मीनें सस्ते दामों पे अभी लुटा मत देना फालतू जी। तो के लिए गांव में सारे के सारे लोग हो, अभी इनकी बहुत अच्छी आपकी एरिया की वैल्यू होने वाली है। सरकार ने अभी ये जो आपका है 4 लेन हो रहा है, साथ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे गुजर गया, KMP आ गया, ये सब आ रहा है, तो इस चक्कर में रह के गांव में भी ये रहना है कि भाई जो जो कहते हैं ना कि थोड़े बहुत लालच में आके अपने बेच दिए और उसके बाद में कुछ भी नहीं है, खेती करने लायक भी नहीं है, तो उसके लिए भी गांव वालों को आप लोग जागरूक करो, ऐसा ना हो कि किसी थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो आपस में एक दूसरे की मदद करो लेकिन उसकी ज़मीनें बिक गई तो फिर उसका आगे का सारा ही खत्म हो गया। तो ज़मीनों को भी होल्ड रखना चाहिए। मैं इसी लोगों के साथ में कहता हूँ कि आप मौलाना जी आएँ और सुरेंद्र जी आएँ और जो गाना है उसका भी मदद करें। हमारे जो SP साहब हैं वो बहुत ही होनहार हैं और मैं कहता हूँ बड़े खानदानी हैं, क्योंकि जिसकी जो ड्यूटी होती है जिस इलाके में होती है वो उसका परिवार होता है और उस परिवार के नाते ही वो काम करते हैं, तो उस तरह की भूमिका उन्होंने निभाई है कि ये मेरा परिवार है, इसको हमने आगे ठीक करना है। जहाँ तक लाइब्रेरी की बात है, मैं कहता हूँ कि किसी आपने कोई भूखा है और वो दरवाजे पर आया और उसको आपने रोटी दे दी तो अगले दिन फिर भूखा है। अगर आपने उसको शिक्षा दे दी, उसको शिक्षा का हथियार दे दिया, लाइब्रेरी उससे भी बढ़कर है। केवल शिक्षा देना अलग बात है, लाइब्रेरी कोई व्यक्ति कब काम करता है, जब उसको अपना इतिहास पता होता है, मेरे माता पिता कौन थे, मेरे बुजुर्ग कौन थे, मेरे इतिहास में कौन कौन से नाम हैं, मेरे दादा परदादा पूर्वजों ने ऐसे ऐसे काम किए, जब उनको ये पता होता है तो वो बच्चा भी उसी लाइन पर चलता है, और अगर पता नहीं होता तो फिर वो भ्रमित होता है, वो नशे की ओर जाता है, वो दूसरे कामों की ओर जाता है। और इसलिए बच्चों को इतिहास पढ़ाना बहुत जरूरी है, पूर्वजों के बारे में बताना बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था, बैठकों होती थी, उनमें बैठे थे, पूर्व पर बैठते थे, हुक्का पर बैठते थे, पानी पिलाते थे, हुक्का भरते थे, तो वहां पर बुजुर्गों के द्वारा संस्कार मिलता था। आज वो दुर्भाग्य से वो चीज खत्म हुई है, आज TV के सामने हम बैठते हैं, और अभी तो फिर भी बहुत अच्छे कार्यक्रम आते हैं TV पर, पहले तो और भी बहुत बड़ी गंध प्रसारित की जाती थी, वो भी चेंज हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम सबको मिलकर SP साहब का धन्यवाद करना चाहिए, ऐसे अधिकारी हमारे यहाँ पर आते रहे तो निश्चित रूप से मेवात, जो मेवात जिस चीज के लिए जाना जाता है, आज भी कोई मेवात के अंदर कहें कि मेवात जैसा न्याय आज भी कहीं पर नहीं है, आज भी आदमी की इज्जत करना, खिदमत करना ऐसा जैसा मेवात में नहीं है। कुछ घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हुई हैं और योजनाबद्ध तरीके से हुई हैं, आम समाज का इसका लेना देना नहीं था, वो कुछ योजनाबद्ध तरीके से कराई गई और वो अपने लाभ के लिए कराई गई। मैं इस वक्त इस घटना के बारे में एक ही बात कह देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे लोग एक चीज पर विश्वास करते हैं, अपने भाई पर ज्यादा जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हैं। अगर मैंने कोई बात मेरे भाई से कह दी कि वहां पर यह घटना घट गई, तो मेरे भाई ने ये नहीं पूछा घट गई कि नहीं घट गई, हमने उसको मार दिया, उसको लठ मार दिया, उसको जूते मार दिए और पीछे पता चला कि वो घटना थी नहीं। इसलिए जरूरत से ज्यादा किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने भाई पर विश्वास जरूर करना चाहिए लेकिन उसकी जानकारी लेकर ही, कहीं वो भाई हमको मिसगाइड तो नहीं कर रहा। इसी कारण से ये दोनों घटना हुई, चाहे 92 में हुई, 92 की घटना अब तक नहीं भरी, 30 साल में भर पाई, फिर एक नई घटना दे दी, तो इन चीजों से हमको बचना चाहिए, हमको विवाद को गुड़गांव की ओर ले जाना चाहिए। जय हिंद। मैं इस प्रकार ऐसा मानता हूं कि ये जो काम यहाँ पे किया है SP साहब ने, एक कल्चरल सॉन्ग है जो हमारी संस्कृति को दर्शाता है, और उसके साथ साथ में एजुकेशन, इसका जब कॉम्बिनेशन मिलता है तो कोई भी कम्युनिटी या कोई भी रीजन है, क्षेत्र है, वो तभी तरक्की और प्रोग्रेस कर पाता है जब इन सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बने। और ये पहल जो SP साहब इसको डे बाई डे इनक्रीज कर रहे हैं, मैं उसको बार बार धन्यवाद बोलूँगा कि ऐसा हमारी मेवात में पहले किसी ने नहीं किया, ना कि DC ने, बल्कि SP भी उस प्रकार से काम कर रहा है। और जिन लोगों के लिए किट चाहिए, कोई भी ऐसी इसेंशियल जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए,
उसको सबको प्रोवाइड कर रहे हैं एसपी साहब हमारे इस क्षेत्र में। मैं इस सर जो ये वीडियो है ये मेरे चैनल पे भी है, एके डायमंड वाले पे, एके डायमंड ऑफिशियल, इस पे आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी सर्च कर सकता है। और मकसूद भाई का जो चैनल है, जो एडिटर रहा है, उसके चैनल पे भी है। और अभी ये पब्लिश होने वाली है 10-5 मिनट के बाद में, उसके बाद में कोई भी इसको देख सकता है। और ये हमारी संस्कृति को और हिंदू मुस्लिम एकता को रिप्रेजेंट करेगी ये वीडियो, और हमारे जो कल्चरल और हिस्टोरिकल प्लेस है उन सबको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करने की एक कोशिश है इसमें। मैं बहुत अच्छा किया एसपी साहब ने, वो तशरीफ लाए। और लाइब्रेरी जो है, जाहिर बात है कि वो इंसान के लिए और ख़ासकर पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ाने वालों के लिए, कि रूह की मानिंद है और एक जान होती है किसी भी स्कूल, किसी भी मदरसे की, मस्जिद की, मकतब की और किसी भी इंस्टीट्यूट की। और उसमें हर मजहब की किताबें होनी चाहिए और हर किस्म के अखबार आने चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे किया तशरीफ ला करके, उन्होंने बेदार किया बच्चों को। और हमने भी यही बात कही कि लाइब्रेरी का मकसद जो है वो फौत नहीं होना चाहिए। उसका मकसद ये होता है कि उसमें तलबा आएँ, पढ़ने वाले जितने हमारे बच्चे हैं और गांव के नौजवान जो हैं वो आएँ, किताबों का मुताला करें, स्टडी करें, अपनी मालूमात में इजाफा करें, अपने इल्म में और अपने एजुकेशन में और अपनी शिक्षा में वो इजाफा करें। बहरहाल उस सिलसिले में तो ये है कि जो वो हो गया, देखिए वो तो उसको आप नज़रअंदाज कर दें और उसके बाद बहुत अच्छे फलाही काम हो रहे हैं, उसको बिल्कुल ये अक्सर भुलाया जा रहा है, उसकी तरफ तो तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने मुस्तकबिल को, फ्यूचर को हमको देखना है। इंशाल्लाह उसमें हम काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा सॉन्ग में बिल्कुल 100% सच्चाई है। मेवात एक ऐसा इलाका, एक ऐसा खित्ता है जो भाईचारे के लिए जाना जाता है, मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। ये कोई मिनी पाकिस्तान नहीं है। जिस तरीका की इसकी इमेज बनाई गई है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर इमरान और सुरेंद्र दोनों भाई मिलकर रहते हैं, यहाँ पर हरि सिंह और शहजाद मिलकर रहते हैं, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए मेवात का भाईचारा खराब करते हैं। नहीं, मेवात जैसे इलाका में चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के या पूरे विश्व में नहीं है। अगर किसी भाईचारा देखना तो मेवात आए, किसी को मेहमान नवाजी देखने तो मेवात आए, किसी को देशभक्ति देखनी है तो वो रूपड़ाके में शहीद मीनार देखने आए, किसी को कोटला झील देखने तो कोटला गांव में आए, किसी को फोर लाइन देखना तो नुहू में आए, किसी को इंडिज एरिया देखना तो आने वाले वक्त में नुहू आए, किसी को रोजगार देखना तो आने वाले वक्त में मेवात आए। मेवात एक ऐसा खित्ता है, किसी को दीनी एतबार से करने है तो आदर्श गांधीग्राम घासेड़ा है।